बेअदबी ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ मामले हाले तक किसी किनारे नहीं लगे ते सिख हुण तक इंसाफ ਲਈ ਬਿਲਕ ਰਹੇ ਨੇ। उधर अकाली ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ इसका ठेकरा एक दूजे ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, जिसे चलदे ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सीबीआई द्वारा अदालत ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ रिपोर्ट भी शुरू तो ही ਸੁਰਖੀਆਂ ਚ ਬਣੀ हुई है, जिस कारण एक बार फिर अकाली ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ एक दूजे ਦੇ सामने ਤਣ ਗਏ ਨੇ। जिथे चलद विधानसभा अकाली दल ने इस मामले ते मौके दी सरकार कांग्रेस नूं घेरन दी कोशिश की, पर पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे फैसले मगरों मामला उल्ट अकाली दल खिलाफ बंदा नजर आ रहा है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्टा मुताबिक विधानसभा च कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शरेआम अकाली दल ते आरोप लगाउंदिया कहा कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह दे इशारे ते दित्ती है। नाल ही हुण कैप्टन साहब ने सीबीआई दी क्लोजर रिपोर्ट नूं चुनौती देण दा फैसला कर लिया, जिस नाल एक बार फिर उल्टा अकाली दल ही घिरदी नजर आ रही है। असल च श्रोमणी अकाली दल ने सीबीआई दी क्लोजर रिपोर्ट दा हवाला दे के कांग्रेस ते इल्जाम लाए सी कि कैप्टन सरकार बेअदबी मामले दी जांच नहीं करवा रही, जिस तो बाद अकाली दल ने कोर कमेटी दी मीटिंग करके इस बारे रणनीति भी उलीकी सी, जिस नाल कांग्रेस वालां दे घेरे च जकड़ी गई सी। पर कैप्टन साहब ने उस जकड़न नूं तोड़न दा फैसला करदे हुए सीबीआई दी क्लोजर रिपोर्ट नूं चुनौती देण दा फैसला कर लिया। मिली जानकारी अनुसार कैप्टन साहब ने कांग्रेसी लीडरां दी सलाह ते ਬਰਗਾੜੀ मामले नूं लैके कीते वादे नूं पूरा करन दा लिया, जिसे चलदे उन्होंने पंजाब दे पुलिस दे मुखी दिनकर गुप्ता, एडवोकेट जनरल अतुल नंदा ते होर सीनियर अधिकारियों की मीटिंग करदे क्लोजर रिपोर्ट नूं छेती चुनौती देने लई कहा है। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।